नमस्कार। मेरे बच्चों कैसे हो? सभी अच्छे होंगे। आज अपने सबसे अच्छा विषय हिंदी का पांचवा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है दशहरा। तो पाठ के नाम से ही समझ आ रहा है कि दशहरा, ये दशहरा नाम क्यों रखा गया है, कब मनाया जाता है दशहरा, किस खुशी में मनाया जाता है, ये अपने सभी को पता है। क्योंकि हमारे जो त्यौहार आते हैं वर्ष भर, उन सब त्योहारों में से अपना ये एक त्यौहार है दशहरा। दशहरे पे क्या किया जाता है सभी को पता है कि दशहरा किस खुशी में मनाया जाता है। दशहरा मनाया जाता है जब श्री राम जी ने रावण का वध किया था, और वो भी अश्विन मास में कृष्ण पक्ष की दशमी को रावण का वध किया था। तो ये अश्विन मास की शुक्ल दशमी को दशहरा मनाया जाता है, इसलिए इस पाठ का नाम ही रखा गया है दशहरा। तो आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे, और साथ में पाठ में कुछ क्या पढ़ते हैं लेसन, तो उसमें कुछ कठिन शब्द आते हैं, तो उन कठिन शब्दों को हम साथ लेकर चलेंगे, ताकि आप हमें क्या है उन कठिन शब्दों के अर्थ हमें मालूम होने चाहिए। हमारा देश त्योहारों का देश है। होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस, दशहरा आदि त्यौहार संपूर्ण भारत में आनंद और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। अब हमारा देश क्या है, देखो त्योहारों का देश है, क्योंकि हम जो भारत देश है अपने आप में इसके नाम से ही हमें मालूम होता है कि भारत सबको एक साथ लेकर चलने वाला देश। तो हमारा देश है, यहाँ पर हमारे देश में सभी जाति पाति के लोग रहते हैं, किसी में भेदभाव नहीं होता, सभी संस्कृति के लोग यहाँ रहते हैं। तो इसलिए हमारे देश को क्या है त्योहारों का देश कहा गया है। जब सभी संस्कृति के लोग रहते हैं तो कि जाहिर सी बात है कि अपने उन जितने भी त्यौहार हैं वो सारे भारतवर्ष में मनाए जाते हैं, और प्रत्येक महीने अपने कोई ना कोई त्यौहार आता ही है, इसलिए भारत को क्या है त्यौहारों का देश कहा जाता है। जैसे देखो अपने त्यौहार मनाए जाते हैं होली, दीपावली, रक्षाबंधन, क्रिसमस, सब ईद, 15 अगस्त, 26 जनवरी, तो सभी प्रकार के त्यौहार अपने देश में क्या है मनाए जाते हैं। दशहरा हमारे प्रसिद्ध देश का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। यह त्यौहार अश्विन माह में शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि को मनाया जाता है। यहाँ वर्ष की समाप्ति तथा शरद के आगमन का सूचक है। वर्षा की समाप्ति और शरद के आगमन का सूचक, शरद मतलब जब अपने क्या है शीत ऋतु स्टार्ट हो जाती है, ठंड पड़ने लगती है। दशहरे से पहले 9 दिन की अवधि में नवरात्रा कहते हैं, यह शारदीय नवरात्रा कहलाते हैं। इन 9 दिनों में बड़ी धूमधाम से माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। प्रथम दिन कलश स्थापना का होता है, और अंतिम दिन अर्थात 10वां दिन विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। जब दशहरा मनाया जाता है उससे पहले के जो 9 दिन है उसमें अपने क्या कहा जाता है उनको नवरात्रा। नवरात्रों में हम क्या करते हैं माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, और माँ दुर्गा की पूजा करते हैं उसके बाद 10वें दिन क्या है दशहरा मनाया जाता है। अब देखो अपने की 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा क्यों करते हैं, ये अपने आगे इस लेसन में देखते हैं। हमारे देश में विजयदशमी के पर्व का इतिहास बहुत पुराना है, निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि यह पर्व कब से मनाया जाता रहा है। इस पर्व के साथ की पुरानी कथाएं जुड़ी हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम अयोध्या के राजा राम ने शारदीय नवरात्रा प्रारंभ की थी। देखो अभी अपने यहाँ शब्द आए थे जैसे उल्लास, उल्लास का क्या होता है खुशी और उमंग, मतलब एक पौराणिक कथा के अनुसार। तो पौराणिक क्या हो गया पुराण संबंधी, जो क्या है हमारे शास्त्रों में ग्रंथों में लिखा गया है, तो वो क्या हो गया पौराणिक, जो हमारे पुराण के अंदर लिखा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम अयोध्या के राजा राम ने शारदीय नवरात्रा प्रारंभ की थी। उन्होंने लंका विजय के समय समुद्र तट पर 9 दिन तक माँ भगवती की आराधना की थी। भगवती की कृपा से उनमें अपार शक्ति का संचार हुआ। अपार क्या होता है देखो, अपार हो गया असीम, मतलब एक शक्ति प्राप्त हुई जिनका अपने अंदाजा नहीं लगा सकते। अपार शक्ति का संचार हुआ। तत्पश्चात 10वें के दिन लंका के राजा राक्षसराज रावण का वध करके एक अन्यायी से संसार को क्या दिलाई थी उन्होंने मुक्ति दिलाई थी, इसलिए दशहरे को विजयदशमी भी कहा जाता है। भी अब 9 दिनों तक भगवान श्री राम ने क्या किया था समुद्र तट पर 9 दिनों तक माँ भगवती की आराधना की थी, और जब उन्होंने 9 दिन तक आराधना की तो उनमें क्या है अपार शक्ति का संचार हुआ, और 10वें दिन उन्होंने किसका वध किया राक्षसराज रावण का वध किया, और इस संसार को क्या है अन्याय से मुक्ति दिलाई थी। लेकिन एक कथा यह भी कही जाती है कि इस तिथि को वीर पांडवों ने अन्यायी कौरवों पर विजय प्राप्त की थी, तथा इसी तिथि को देवताओं के राजा इंद्र ने
वत्रासुर नाम के दैत्य को हराया था। इस दशमी तिथि को विजय नामक मुहूर्त होता है जो संपूर्ण कार्यों का क्या होता है, सिद्धिदायक होता है। अतः प्राचीन काल में राजा लोग इसी दिन अपनी विजय यात्रा प्रारंभ करते थे। सरस्वती पूजा, शस्त्र पूजा, दुर्गा विसर्जन, नवरात्रा प्रायण तथा विजय प्रायण इस पर्व के महान क्रम है। तो इस दिन क्या है, अनेक कार्य किए जाते हैं। क्षत्रिय लोग वो अपने क्या है, शस्त्रों की पूजा करते हैं। दशमी नामक मुहूर्त निकलता है तो उसमें क्या है, लोग अपने कार्य उस समय में कार्य करना क्या है, शुभ माना जाता है। तो कुछ लोग उस जो विजय नामक मुहूर्त निकलता है उसमें अपना काम क्या है करना सर्वोत्तम मानते हैं। शास्त्रकारों के अनुसार इस दिन शमी वृक्ष का पूजन किया जाता है। शमी वृक्ष, शमी वृक्ष क्या है, देखो शमी वृक्ष खेजड़ी का वृक्ष, जिसको अपने राजस्थान में क्या कहा जाता है, खेजड़ी कहा जाता है। तो खेजड़ी का एक अन्य नाम भी है शमी वृक्ष। तो इस दिन खेजड़ी की भी पूजा की जाती है। लोगों का विश्वास है कि शमी वृक्ष की पूजा से दृढ़ता और तेजस्विता प्राप्त होती है। जब अपने शमी वृक्ष की पूजा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तेजस्विता और दृढ़ता, एक मन में विश्वास हो जाएगा कि हम ये काम क्या है कर सकते हैं। तो तेजस्विता का क्या होता है, तेजस्वी होने का गुण, मतलब हमें इतनी दृढ़ता आ जाती है कि अपने को यह विश्वास हो जाता है कि हम वो काम क्या है कर सकते हैं। विजयदशमी के पर्व का सबसे बड़ा आकर्षक रामलीला है। अश्विन माह में शुक्ल पक्ष प्रारंभ होते ही जगह जगह रामलीला होने लगती है और दसवें के दिन रावण वध के साथ इसका क्या हो जाता है, समापन हो जाता है। अब जब दसवें दिन रावण का वध किया जाता है तो उसके साथ उससे पहले क्या होती है, रामलीला जो अश्विन मास की एकम से स्टार्ट हो जाती है और दसवीं तक चलती है। जिस दिन रावण का वध किया जाता है तब तक रामलीला लोग देखने जाते हैं, रामलीला की जाती है। तो अब जब दसवीं रावण का वध किया जाता है तो वो दसवीं के दिन किया जाता है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको पाठ समझ में आया होगा। आगे का पाठ हम आगे की वीडियो में करेंगे, तब तक आप कॉपी में कुछ ये जो कठिन शब्द है ये अपनी कॉपी में करोगे। धन्यवाद।